फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के बारे। आज हम लोग इस शेयर का चार्ट रीडिंग करेंगे और जानेंगे हम लोग इसका टारगेट टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी जानेंगे हम लोग इसका, और फंडामेंटल्स, उसके बाद न्यूज़ और प्रमोटर होल्डिंग। तो हम लोग प्रमोटर होल्डिंग से ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर 28% रखा हुआ है और पब्लिक के पास 70% है और FII के पास लगभग 1% है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि प्रमोटर क्या बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, क्या कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे प्रमोटर्स, जितना प्रमोटर्स के पास शेयर था उसमें से उसने 0.02% दिसंबर में सेल किया है, ठीक है। और उसके बाद बाकी कोई बदलाव नहीं है। और नीचे में भी आप देख सकते हैं जो टोटल शेयर का जो परसेंटेज था प्रमोटर के पास, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ग्राफ पे, हम लोग ए टू जेड इंफ्रा शेयर के ग्राफ पे। अब हम लोग 3 आवर का चार्ट पहले सेट करेंगे। 3 आवर के चार्ट से लेके हम लोग मंथली चार्ट तक में टारगेट और स्टॉप लॉस को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 आवर के चार्ट पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 11 रुपये 85 पैसे का, इसका सेकेंड टारगेट होगा 12 रुपये 40 पैसे का, और इसका थर्ड टारगेट होगा 13 रुपये 30 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 11 रुपये 10 पैसे का, इसका सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 10 रुपये 65 पैसे का, और इसका थर्ड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 10 रुपये 35 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग चलेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल की बात करें तो डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 12 रुपये 60 पैसे का, सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 14 रुपये 80 पैसे का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 16 रुपये 60 पैसे का, 16 रुपये 60 पैसे का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 10 रुपये 40 पैसे का, इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 9 रुपये 15 पैसे का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 8 रुपये 20 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग चलेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 13 रुपये 40 पैसे का, सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 16 रुपये का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 19 रुपये 30 पैसे का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 9 रुपये 80 पैसे का, इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये 50 पैसे का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 5 रुपये 55 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग चलेंगे मंथली कैंडल पे। मंथली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 13 रुपये 40 पैसे का, सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 19 रुपये 30 पैसे का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 23 रुपये 35 पैसे का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 7 रुपये 50 पैसा, इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 5 रुपये 55 पैसा, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 3 रुपये 20 पैसा, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अभी टारगेट और स्टॉप लॉस जान लिया है फ्रेंड, तो अब हम लोग फंडामेंटल्स पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल्स पे। जेड इंफ्रा शेयर पे हम लोग इस पर टिक करेंगे, और सॉरी
थोड़ा सा कलर ठीक हो गया। शेयर पे टिक करेंगे, चलेंगे फंडामेंटल्स पे, अब देखेंगे इसका फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, 1 मंथ में 9.5% और 1 साल में 129%। यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल में 129% का रिटर्न है और 1 मंथ में 9.57% का रिटर्न है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ इसका पूरा नाम है A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें 201 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की बात करें 48.5K इसका शेयर होल्डर्स है। 92 किलो की बात करें 4.85 रुपये का इसने लो बनाया है। 92 हाई की बात करें 16.15 रुपये का इसने हाई बनाया है, ठीक है फ्रेंड। और पिछले ट्रेडिंग डे में इसने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब हम लोग न्यूज़ पे चलते हैं, तो इस शेयर पे कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है फ्रेंड। अब हम लोग इवेंट्स को भी देख लेते हैं थोड़ा। तो इवेंट्स इसका 12 नवंबर को इवेंट्स है जो अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।